है नहीं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये हड़ताल जरूरी है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। रेजिडेंट यूनिटी जिंदाबाद, रेजिडेंट यूनिटी जिंदाबाद। नीति को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। लगातार सरकार के साथ वार्ता भी की जा रही है, लेकिन वार्ता विफल होती जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है जब तक बॉन्ड नीति में स्थिरता नहीं दी जाएगी, विसंगतियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस वक्त मैं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। जो मरीज आ रहे हैं अस्पताल में, उनको उचित इलाज में नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो ऑपरेशन करने थे उनको भी अगली तारीख दी जा रही है। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर के विरोध के कारण अस्पतालों में जो आने वाले मरीज हैं, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल SMS अस्पताल है, यहाँ पर जो है जिलों से भी जो मरीज है वो यहाँ आते हैं, लेकिन जिस तरह चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, हालांकि चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर लगातार प्रयास सरकार अपने स्तर पर करने में लगी हुई है, लेकिन मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर पर जो एक्शन है वो अब सरकार लेने जा रही है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। क्योंकि पूर्व में भी रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले काली पट्टी बांध का विरोध जताया था, उसके बाद जो है कार्य का बहिष्कार किया, अब संपूर्ण कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से कर दिया गया है। हालांकि सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच में कहीं ना कहीं जो जनता है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेकड़ी से आया हूं सर मैं। किस तरह की परेशानी आ रही डॉक्टर हड़ताल पर है? हां, बहुत ज्यादा। यहां वही नहीं, वो पर्चियाँ ही नहीं कट रही हैं, पर्चियों के अंदर भीड़ बहुत तेज़ हो रही है और मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। इलाज मिल रहा है? डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हाँ, इलाज भी नहीं मिल रहा है। हमारे डॉक्टर अभी हड़ताल पर है। मेरे जो चाचा हैं उनके ब्रेन में सर्जरी करनी है और जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप चले जाओ, आपको भर्ती नहीं करेंगे, मेन डॉक्टर है नहीं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, धक्के खा के परेशान हो चुके हैं। ऑपरेशन की तारीख दी गई थी आपको? पेशेंट को तारीख भी दी गई, आज आए थे, कल 15 दिन हम बीकानेर से घूम गए, उन्होंने कहा जयपुर चले जाओ आप, अब जयपुर में जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब हमारी गलती है कि सरकार की गलती है? अब दोबारा तिबारा आए, 2-3 फुट है क्या, फराइयों भरतपुर से आए, परेशानी है, पैर में लग रही है, हम सर्जरी करानी है। भाई ये कहते हैं अब क्या ही हो डॉक्टर हड़ताल पे, इसके कारण पता ही ना है इनका कारण, बतावे ना, खुल के नंबर दें ना, कछू दें कि चलो बाद जांच है जाए कि हाँ सब बात ना आ जाए। यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल में 2-3 दिन से चक्कर काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स मतलब टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, तो हड़ताल की वजह से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, मेडिकल चेकअप वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने में। तो आई थिंक गवर्नमेंट को उनको हेल्प करना चाहिए, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सपोर्ट करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स को और डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।